तो गाइज, ये कल हम लेके आए मार्केट से, कौन सा था, रिलायंस स्मार्ट बाजार, सारा सारा सामान। सामान। अब ये स्नेहा जी बताएंगे कि क्या क्या ये लेके आई हैं, कितना खर्चा हुआ है मेरी पॉकेट से। अच्छा, सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग फ्रेंड्स। ये सेम डे ही है जहां मैंने पहले वाला व्लॉग एंड किया था। तो मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको सामान दिखाऊंगी, उस वाले में नहीं दिखाया था। सो कल नेगी जी की पॉकेट से मनी खर्च हुआ है, क्योंकि नेगी जी ने इस बार बोला कि मैं इस महीने राशन देखूंगा। सो ये चैलेंज नेगी जी ने लिया, हालांकि इसमें राशन पूरा नहीं है। अगर आप देख सकते हो, इसमें बहुत सी चीजें नहीं है, क्योंकि राशन क्या होता है ना, हर महीने तो सारा सामान नहीं भरा जाता। जिस चीज की आपको जरूरत होती है वही चीज खरीद कर लेकर आते हो। तो मेरे साथ भी सिंपल सी चीजें हैं। चावल मैंने पहले ही ले लिया था, सो इसमें चावल नहीं है। एक दो दालें रिफिल करनी थी, वो भी मैंने पहले ही रिफिल कर ली थी। तो इसमें बहुत कुछ कम कम सामान है, लेकिन मैं एंड में आपको बताऊंगी कि ये कितने का है। दालें दालें तो हम लाए नहीं कुछ। तो मैं आपको वही तो कह रही हूँ, दालें वगैरह तो पहले से फिल थी, वो मैंने पहले ले ली थी। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर महीने ही सारा राशन भरा जाएगा। मुझे ये जानना है कि इतना इतने सामान में इतना खर्चा कैसे आ रहा है, किस चीज में इतना खर्चा हो रहा है, मेरे को वो जानना है। सो स्टार्ट करते हैं पहले यहां से। सो मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आप या तो क्लोजअप कर लो, या मैं एक एक करके आपको चीजें हाँ, दिखाऊंगी। एक एक करके दिखाओ। सो सबसे पहले हम लोग आपको दिखाते हैं, मेरा धनिया पाउडर खत्म था तो धनिया पाउडर मैं लेकर आई हूँ। तो ये आई थिंक आधा किलो का पैकेट है। सो धनिया पाउडर, लाल मिर्च, ये नमक के दो पैकेट हैं टाटा सॉल्ट के, ये और ये बर्तन धोने वाले दो हैं। ये तो हमें वैसे वॉश करने के लिए चाहिए कुछ कुछ चीजें, वरना बर्तन में इससे नहीं धोती हूँ, बर्तन में इसी से धोती हूँ। और फिर आप इस साइड आ जाओगे तो यहाँ पे जीरा है। ये जीरा जो है ये आप, ये थोड़ा सा महंगा है, अच्छा, ये आइटम महंगा है क्योंकि ये बड़ा पैकेट है, आधा किलो का। ये बताओ ये क्या है। ये आपको आगे वाले व्लॉग में दिखने को मिलेगा। ये इसकी हम या तो एक वीडियो बनाएंगे, चैलेंज वीडियो, या तो शॉर्ट वीडियो में वो आपको चैलेंज वीडियो मिलेगी जल्दी ही। सो ये कुछ नया आया है मार्केट में मैगी की तरफ से, तो ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, बट ये मैगी का प्रोडक्ट है, नूडल्स हैं। इसके बारे में डीप में डिटेल आपको उस व्लॉग में मिलेगी जहां हम ये चैलेंज करेंगे। तो हम ये चैलेंज के लिए लेकर आए हैं लहसुन सेव नमकीन। हम इस बार लहसुन वाली लाए हैं ट्राई करने के लिए कि कैसी है। उसके बाद यहाँ पे रस के पैकेट हैं दो, ये वाला गुड़ वाला रस के, ये मैं फर्स्ट टाइम लाई हूँ, ये मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है। सो शाम की चाय के साथ या सुबह भी कभी जल्दी अगर कॉफी या चाय ले लेते हैं तो एक एक दो दो रस ले लिए तो सही लगता है। उसके बाद ये हींग, हींग भी खत्म हो गई थी तो हींग लेकर आए हैं। यह है अजवाइन और यह है राई, ये भी चाहिए थी तो ये भी मैं लेकर आई हूँ। जो जो चीजें खत्म हो गई मैं सिर्फ वो लाई हूँ, इलायची, ग्रीन इलायची, केक, ये नेगी जी की नजर पड़ी थी इस पे, तो ये केक भी आया है। सो ये विंकीज का है। सो ये भी चाय वाय के साथ के लिए, कॉफी के साथ के लिए, चाय तो हमने कम कर दिया आजकल तो कॉफी के साथ के लिए। इसके बाद चाय बना दे रहा। टमाटो केचप किसान का बड़ा वाला पैक, मैं पैकेट में इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे पास कांच की बॉटल है जो मैंने धो के रखी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, मेरे पास कांच की बॉटल है जो मैंने आज ही धोकर रखी है। सो मैं इसी को रिफिल करूंगी दोबारा से इस कैचअप के साथ, इसीलिए मैंने पैकेट, मतलब कांच की बॉटल नहीं खरीदी, पैकेट खरीदा है। सो इसको मैं इधर रख देती हूँ, कांच का सामान है। कैचअप हो गया, ये है विम लिक्विड, बर्तन धोने के लिए आपको चाहिए होता है। और हम लेकर आए हैं ग्रीन चिल्ली वाला पिकल, कभी कभार अचार खाने का मन करता है तो हम ग्रीन चिल्ली वाला लेकर आए। जैम की लेकर आए हैं छोटी बॉटल, ये हमने पहले मंगवा दिया था बट ये मैंने इसी सामान के साथ रख दिया है। कॉफी लेकर आए हैं, ये दूध में डाल के बनाने के लिए नेस्कैफे गोल्ड। वैसे हम लोग दूसरी कॉफी यूज करते हैं, ब्लैक कॉफी जो हम पीते हैं वो दूसरी है, डेविड ऑफ की, वो वाली ब्लैक कॉफी पीते हैं, पर ये हम लेकर आए मिल्क वाली बनाने के लिए। सो ये है हार्पिक, और वहां पे ना हार्पिक का सेम कॉपी था, सेम सेम बॉटल में आजकल बहुत सारे कंपनीज आ रही हैं। नाम अलग था, वो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन कलर और कलर बॉटल वगैरह बॉटल सेम, ऐसे लग रहा था कि हार्पिक होगा, लेकिन हम हार्पिक ही लेते हैं। और ये है आपका पावर पॉकेट, ये आपका ऐसा है वॉशरूम में रख लो, गाड़ी में रख लो, फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस के लिए। वैसे ये पाउच लगते हैं और इसमें लिखा होता है 30 डेज तक ये चलता है, मैंने पहले भी यूज किया हुआ, अच्छा है इसलिए मैंने ये ले लिया। 30 डेज का, लेकिन हम 60 डेज तक चला लेते हैं। नहीं, 60 डेज तो चलता ही नहीं है, वो
24-25 दिन में ही मुझे लग रहा है खत्म हो जाता होगा। अब से 60 डेज चलाना, ठीक है। सो वैसे नेगी जी ने गाड़ी के लिए भी लिया अलग से, वो हमने गाड़ी में रख दिया है, वो इसमें नहीं है। अच्छा हाँ। वो इसमें नहीं है। फेस वॉश खत्म हो गया था, खत्म नहीं हो गया था, मेरे पास फेस वॉश की जो बॉटल थी वो मेरी देहरादून में छूट गई, तो वो वहीं पे है। और निविया क्रीम, सर्दियों का सहारा मेरी गर्मियों का सहारा, मैं ये मॉइस्चराइजर क्रीम जरूर लगाती हूँ। सो निविया सॉफ्ट, अब से मैं भी लगाऊंगा इसको, मुझे ये अच्छी लगती है। सो गार्लिक पेस्ट लाई हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट एक पैकेट लेकर आई हूँ, दाल वगैरह में जरूरत पड़ती है। ये नेगी जी मुझे लेने नहीं दे रहे थे, खुद के लिए केक ले रहे थे और मुझे ये नहीं लेने दे रहे थे, मुझे ये बहुत पसंद है। ये फालतू का सामान होता है यार, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। और एक हम ये वाला ट्रीट का पैकेट लेकर आए हैं, इसमें आई थिंक 5 होंगे। छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हूँ मैं अपने लाई हूँ, आपने लिया। उसके बाद क्लोजअप, इस बार नेगी जी ग्रीन टी प्लस क्ले लेकर आए, इतना घटिया कि मेरे को नॉर्मली पसंद है। ये घटिया वाला ले लिया क्या मैंने? ये मतलब घटिया है, मुझे ना नॉर्मल ही अच्छा लगता है क्लोजअप पेप्सोडेंट। मैं तेरे को देता हूँ गिफ्ट, नहीं चाहिए। सनसिल्क शैम्पू, अच्छा नेगी जी को इस बार कोकोनट वाटर दिखा तो उन्होंने ये भी लिया, हालांकि आपने ट्राई कर लिया? हाँ ठीक ठाक ही हो रहा है, उतना अभी कुछ खास नहीं हो रहा। वैसे तो पैकेट में जो होती है चीजें हम यूज ज्यादा नहीं करते हैं, आप जनरली जाकर ही पी लो तो ज्यादा अच्छा लगता है। बाय वन गेट वन कल। और पापड़ लेकर आए हम लोग, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में खिचड़ी बनती है, जो भी चीज बनती है हम उसके साथ पापड़ लेते हैं। सो ये है छोटे वाले पापड़, और उड़द दाल के हैं ये भी, हम सारे भी दाल के लाते। खाकरा लेकर आए हैं इस बार, सो मैं फर्स्ट टाइम लाई हूँ, मैंने आज तक खाकरा नहीं टेस्ट किया, तो खाकरा आया है। और दो पापड़ और है, ये चना दाल पापड़ है, ये फिर मूंग दाल या उड़द दाल पापड़ है, ठीक है। हाँ उड़द दाल है, और ये चना दाल पापड़ है मसाले वाला। सो पापड़ हमारे डेली यूज हो जाते हैं, इसलिए पापड़ वगैरह। और इस सामान के साथ जो हमें मुफ्त में मिला है वो है ये गुड लाइफ का आटा। इसके साथ तुम्हें दो पैकेट ही आटे मिले हैं 1-1 kg वाले। एंड अब आप गेस करो ये सामान कितने का होगा। और जितना मैंने आपको सामान दिखाया ना, मैं आपको इस सामान का प्राइस बता देती हूँ, बट आपको गेस करना है इस सामान में सबसे महंगा आइटम कौन सा है। सबसे महंगा आइटम आप सामान देख लो एक बार, सारा दोबारा से एक बार दिखा दो कैमरामैन प्लीज। कैमरामैन फोकस करो, फोकस करो इस सारे सामान में, इसमें सबसे महंगा आइटम क्या? सबसे महंगा और सबसे सस्ता बताओ कौन सा। हाँ आप दोनों चीजें बता दो मुझे कमेंट में। वैसे इस सामान का प्राइस आई थिंक 5,500 समथिंग है ना, या 5,500। मेरे को समझ नहीं आ रहा है तक किस चीज पे आया ये, दोबारा देखना पड़ेगा पहले। मैंने बिल देख लिया, नेगी जी को पता क्यों लग रहा है? नेगी जी को लग रहा है कि छोटी छोटी चीजें बहुत सस्ती आती हैं, पर ऐसा नहीं होता है। जो हम लोग हर महीने खरीदते हैं, हम छोटी चीजें नहीं लेंगे, हम सीधी बड़ी चीजें। हर महीने का पता है ना कि हर महीने जब खरीदा जाता है थोड़ा थोड़ा, तो कैसे हम लोग सेव करते हैं, कैसे हम लोग खरीदते हैं। आपको तो लगता था वो राशन कितने का आता होगा, ये वो टाइम गया जब 2-3 हजार का राशन पड़ता था, वो टाइम गया। अगले महीने से मैं सारी कुछ नहीं, अगले महीने से सारी बड़ी बड़ी चीजें लूंगा मैं, उसमें खर्चा कम आएगा। 5,000 में सिंपल कुछ चीजें हैं, इसमें आपका दालें नहीं है, इसमें आपके ड्राई फ्रूट्स नहीं है, इसमें आपके चावल नहीं है, तेल नहीं है। सो सिंपल सामान में आपका 5,000 अगर लग रहा है तो आप सोचो महंगाई कितनी बढ़ गई है। तेल बहुत खा रहे हो तुम? नो। सो गाइज आप लोग जरूर बताना कमेंट में और ब्लॉग में बने रहना। ओके बाय। सो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यही एंड करने की सोचे हम लोग, ये वाला ब्लॉग सिर्फ ये सिंपल कितने का आइटम वाला व्लॉग है कि कौन सा सबसे महंगा आइटम है। सो आपको वो बताना है कमेंट में। ये वाला व्लॉग यही एंड करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि लेडीज लोगों को समझ आता होगा जो लोग हर महीने राशन खरीदती हैं कि हाँ कितना महंगाई बढ़ गई है, कितना सामान हम कैसे खरीदते हैं। जेंट्स लोग इजीली बोल देते हैं कि क्या लेते हो हर महीने, कितने का आता है, तो पता चलना चाहिए नेगी जी को कितने का आता है सामान। और आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि किसके घर में ऐसा होता है कि आदमियों को लगता है कहाँ खर्च हो गए इतने पैसे, हमें तो कुछ नहीं दिखा। अगले महीने से बिस्कुट रस्क और क्या क्या कम करना है। पापड़ कम खाने हमने घर से, खाने में आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो इसीलिए थोड़ा सा फोन नीचे करो, इसीलिए ध्यान दीजिए कि आप जब राशन खरीदते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जैसे मैं भी पहले गलती करती थी, कुछ चीजें एक्स्ट्रा खरीद लेती थी, अब नहीं खरीदती हूँ। बहुत कम चीजें होती हैं जो मैं अब अपने, मतलब जैसे नमक के मैंने 2 पैकेट लिए हैं,
तो वो मैं एक आध एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, पर अब मैं बाकी चीजें नहीं लेती हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना आना चाहिए बस चीजों को। मुझे लग रहा है टॉयलेट भी कम साफ करना चाहिए हमें। हार्पिक हार्पिक पैसा देखिए जी, के पैसे खर्च हुए तो नहीं लगे, ये भी कम वो भी कम, आज से ये बंद। हार्पिक बंद करके तेजाब लाएंगे। तेजाब लाएंगे, तेजाब तेजाब तो मिलता ही नहीं है ना मार्केट में इजीली, कहीं केस ना हो जाए कुछ। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ चाय पीजिए, शेयर कीजिए, चाय पीजिए, इन्हें चाय पीनी है रस खाने के लिए, और कमेंट में जरूर बताना कि सबसे महंगा और सबसे सस्ता आइटम कौन सा है इसमें से। सस्ता तो कोई भी नहीं है। बाय।